आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सी गिलकी को बढ़िया तरीके से। क्या होता है कभी कभी हम वही तरीके से गिलकी या कोई सी भी सब्जी बना बना कर बोर हो जाते हैं, तो इसे आप बिल्कुल नए तरीके से बनाएं जो खाने में टेस्टी लगेगी और जो नहीं भी खाते होंगे वो भी खाना पसंद करेंगे। तो इसे हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी कुकिंग वर्ल्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गिलकी देखने में ही बहुत बढ़िया लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से एक बार आप ट्राई जरूर करें और जब आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और सब्जियों को वैसे भी अलग अलग तरह से बनाते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक तड़का पैन गर्म करेंगे और आप चाहें तो कढ़ाई में भी इस मसाले को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो तड़का पैन अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हमने आधा चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जो है वो हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस हम इतना ही ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें कुछ यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ली थी और थोड़ा सा अदरक लिया था वो ऐड कर देंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला में हमने धनिया, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, इस तरह से सारे ही मिक्स गरम मसाले लिए हैं। तो इसे हमने ऐड कर दिया है और इसे हम चला लेंगे। इसके बाद हमने थोड़ी सी मूंगफली दाने लिए हैं और 7 से 8 काजू लिए थे, तो इन्हें भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद 2 चम्मच धनिया लेंगे और 2 लाल मिर्ची ली हैं सूखी वाली, वो भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम गैस को ऑफ करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर हमें इन्हें नहीं चलाना है, बस इतना ही इन्हें हम पकाएंगे और हम इसके बाद इन्हें ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अच्छे से पीसेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि जो हम गिलकी बनाने वाले हैं उसकी स्टफिंग इसी से तैयार करेंगे। और इसके बाद 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, और अमचूर पाउडर ना हो तो दही भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही कम हमने यहाँ पर चीनी ऐड की है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच से कम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे इसलिए हमने कम ही किया है नमक ऐड। और इसके बाद हमने ली है गिलकी, तो गिलकी को धुलकर अच्छे से छील लिया है और इस तरह के पीसेस में हम कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें इस तरह से कट किया है और अंदर इसमें हम स्टफिंग भरेंगे जो हमने अभी तैयार की है पीस कर, और जो इसका पल्प वगैरह था वो हमने चाकू से हटा दिया है। तो इसमें स्टफिंग बढ़िया तरीके से हमने फिल कर दी है और इसी तरह से हम सारी ही गिलकियाँ तैयार कर लेंगे। और हमने जो इसमें चीनी ऐड की थी इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आप इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो इसे आप हटा भी सकते हैं। गिलकी में जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो बहुत ही टेस्टी लगती है और जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो हम ग्रेवी में ही ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई गर्म कर ली है और इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सरसों दाने लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर तड़कने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे साइज की प्याज ली थी जिसे बारीक कट कर लिया है और ऐड कर देंगे। इसके बाद लिया है हमने थोड़ा सा हींग पाउडर, तो हींग पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को मीडियम ही रखना है। तो 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हमने पका लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे जिससे कलर वगैरह बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि मिर्ची तीखी वाली हमने पहले ही स्टफिंग में ऐड कर दी थी तो मिर्ची वगैरह हम कम ही ऐड करेंगे। और यदि आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया था, और हल्दी पाउडर हम बहुत ही कम ऐड करेंगे, इसमें 1/2 चम्मच से भी कम ऐड किया है, और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने 2 टमाटर को पीस कर लिया था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यदि आप दही ऐड कर रहे हैं तो टमाटर की मात्रा कम भी कर सकते हैं।
तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 से 5 मिनट अच्छे से पका लेंगे और गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। तो टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद गैस को तेज इसलिए कर लेते हैं, इससे क्या होता है, एक तो ये जल्दी से पक जाता है और ऑयल भी रिलीज होने लगता है। तो इस तरह से हमने गैस को थोड़ा सा तेज करके पका लिया है और जब हम गैस को तेज करेंगे तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और आप देखेंगे कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम थोड़ी देर और पकाएंगे और जो हमने बाउल ली थी उसी में थोड़ा सा पानी लिया था वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी बढ़िया तरीके से पक गई है। तो अब हम इसमें जो स्टफिंग करके हमने गिलकी रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे जिससे कि जो मसाला तैयार किया है इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इसे ऐसे ही चला लेंगे जिससे इनमें बढ़िया से कोटिंग हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से ढककर पका लिया है। अब हम पानी ऐड कर देंगे और यदि आप ग्रेवी थिक ही रखना है, पानी ऐड नहीं करना है, तो आप इसको ढककर पका लें और बीच बीच में चलाते रहें, पानी ऐड ना करें। लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो इसमें हमने एक बाउल पानी ऐड कर दिया है और ये हल्की सी पक चुकी है, बस थोड़ी देर और पकाएंगे। जितनी देर की ये पानी पक जाए बस हम इतना ही पकाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हमारी गिलकी बनके तैयार हो गई है और आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं कि ये पकी हैं या नहीं। तो अभी हमने गैस को ऑफ नहीं किया है, मीडियम गैस पर अभी हम थोड़ी देर और पकाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गिलकी की सब्जी बनके तैयार है और इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। इसके बाद आप इसे खाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से गिलकी की सब्जी को थोड़ी सी अलग तरह से बना सकते हैं और इसे आप रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगी और सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। सिंपल सी सब्जियों को आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं तो उससे क्या होगा कि इनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और खाने में भी आपको टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बहुत सी सब्जियों की वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।